अगली है रकम अपने कोल बेटा 22/7। असी इहदे विच फिर उही काम करांगे, थानू मैं दस्या सी जिहड़ी न्यूमीनेटर दे विच जिहड़ी उपर हुंदी है अंश, इहनू असी अंदर लिखदे हां। इह गल दा खास ख्याल रखना है, ते जिहड़ी नीचे हुंदी है चाहे उह छोटी होवे उपरली नालों चाहे उह वड्डी होवे उह बाहर ही लिखी जांदी है। सारे बच्चे गल दा ध्यान रखणगे, इह नहीं करना किसी बच्चे ने भी जे वड्डी है तां उहनू अंदर लिखना, छोटी है तां बाहर लिखना। जिहड़ी रकम न्यूमीनेटर च हुंदी अंश विच हुंदी उपर हुंदी है उही हमेशा अंदर आएगी, ते जिहड़ी नीचे होएगी उह हमेशा बाहर लिखी जांदी है। तां इहनू असीं सॉल्व कर सकदे हां 7 * 21 जिवें तुसीं जानदे हो, 7 * 3 = 21, सब नू डिवाइड करना आंदा है, 1 बचिया। हुण इह रकम छोटी आ गई है, इस तों बाद असीं की लगाने हुंदे आ पॉइंट, पॉइंट तों बाद असीं की लगावांगे 0, तां 7 * 1 = 7, फिर की बचेगा 3। इसी तरह ही फिर एक 0, तुहानूं पता पॉइंट लगी हुई है तो 0 एक मिली जानी है, तो 0, 7 * 4 = 28, ये थानू पता है 2 आ रहा है, फिर एक 0 आएगी, 7 * 2 = 14, 6 आया, फिर एक 0 मिली जानी है, 7 * 8 = 56, फिर 4 बच रहा है, फिर 0, 35। देखो 5-6 दशमलव तक असी आंसर कढ़ांगे। मैं इत्थे देख रही हाँ कि यह ख़त्म नहीं हो रही, 22/7 की वैल्यू कितनी आ रही है, यह ख़त्म नहीं हो रही, हले होर भी आंसर आएंगे अगे, तो मैं एक लिमिट तक ही सॉल्व कर रही हूँ। तुसी भी 4 अक्षरों तक 5 तक ट्राई करके देखना ही देखना, सारे बच्चों ने 3.14285 अगे डैश 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 डैश। हुण देखो पॉइंट तो बाद कोई भी सैट रिपीट हो रहा, तुसी देख सकते हो ये पॉइंट तो बाद कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा, 1 4 2 8 5, कोई सैट नहीं रिपीट हो रहा कि 1 4 1 4 कुछ इस तरह का आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, हला हर बार डिफरेंट 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 नंबर आ रहे हैं। तो इस करके कदे ना ख़त्म होने वाली, इनू कहने असी ये भी अशांत है, ये अशांत है, लेकिन यह की है अणावर्ती, रिपीटिंग भी नहीं है, अण आवर्ती। मैं थानू फिर क्लीयर कर दिनी है, ये अशांत भी है लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है, तो इनू कहते हैं नॉन टर्मीनेटिंग। पिछली बार थानू दसना भूल गई मैं, पर हुण नोट कर लो, नॉन टर्मीनेटिंग एक तो ख़त्म नहीं हो रहा, टर्मीनेटिंग मतलब ख़त्म होना, ये नॉन टर्मीनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग भी है, तो कोई अक्षर रिपीट भी नहीं हो रहे, कोई सैट रिपीट नहीं हो रहा, तो यह नॉन रिपीटिंग है। इस तरह के नूं असीं कहने आ इह की है 22/7 एक अपरिमेय है, 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, इट्स इरैशनल। हुण तुहानूं फर्क पता लग्गिया होगा पिछले सवाल ते हुण सवाल दे विच कि इरैशनल ते रैशनल च की फर्क है, ये अशांत अणावर्ती हुंदे, रिपीटिंग भी नहीं हुंदे, तो लेकिन परमेय दे विच एक सैट रिपीट हो रहा है, अशांत परमेय अशांत आवर्ती है, इहनू आपां लिखदे हैं नॉन टर्मीनेटिंग कदे ना ख़त्म होने वाला, लेकिन ये की है आवर्ती रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग तां कदे ना ख़त्म होने वाला, तो रिपीटिंग भी जड़ा है परमेय संख्या हुंदी है। इस तो अलावा एक होर गल दस देना चाहनी हाँ कि जिमें 3/10 है, इनू असी देखते ही पॉइंटा च बदल सकते हैं, 0.3 ये ख़त्म हो गई है, तो यह जी जी संख्यावान जी कि जिन्हों की दशमलव ख़त्म हो जाती है, अगर कोई अक्षर डैश विच नहीं होंगे, कोई भी संख्या भाग करके इस तरह की आती है, तो यह सारिया ही संख्यावान परमेय होंदिया ने, सारिया ही संख्यावान परमेय संख्यावां रैशनल हुंदियां ने, जिन्हां दे दशमलव दे बाद कुछ अक्षरां बाद भाग खत्म हो जांदी है, नीचे 0 आ जांदा है तां बच जांदा है, तां ओह सारी संख्यावां रैशनल हुंदियां ने।